हेलो दोस्तों, अगर आप ऑनलाइन पेमेंट्स करते हैं, रिचार्जेस करते हैं, तो दोस्तों आप ऑनलाइन इलेक्ट्रिसिटी बिल भी पे कर सकते हैं और इसके साथ ही आपको मिलेंगे कैशबैक, यानी आप कुछ पैसे भी कमा सकते हैं इसके थ्रू। क्योंकि दोस्तों जब आप ऑफलाइन जाके अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करते हैं तो उसमें आपको कैशबैक नहीं मिलता है, क्योंकि वो जितना आप बिल पेमेंट करोगे उतनी हो जाती है, उसके बाद आपको कुछ भी वापस नहीं मिलता। बट अगर ऑनलाइन आप करते हो बिल की पेमेंट तो आपको इसमें कैशबैक मिलता है, यानी आपका कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फ़ायदा होता है, और अप टू 1000 आपको फ़ायदा हो सकता है अगर आप इस चीज़ को फ़ोनपे के थ्रू करते हो तो। दोस्तों ये तो थी एक अलग बात कि आपको कैशबैक मिल सकता है, और जो मेन बात जो मैं आप इस वीडियो में बताना चाहता हूँ वो है कि आप कैसे अपनी जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है उसकी पेमेंट कर सकते हो। दोस्तों उसके लिए पहले आपको मैं बता दूँ कि जो इलेक्ट्रिसिटी बिल की पेमेंट आप करोगे उसके में आपको अकाउंट नंबर की ज़रूरत पड़ेगी जो आपके बिल पर लिखा होता है। तो उसके लिए मैं आपको दिखा देता हूँ एक बिल का, जो ये दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम का बिल है। तो दोस्तों इसमें यहाँ ऊपर ये जो सबसे टॉप कॉर्नर पे यहाँ पे सेंटर में यहाँ पे लिखा मिलेगा आपको, जैसे ये इस बिल के अकाउंट नंबर है T24SN462819। तो दोस्तों ये अगर आपको पता करना तो यहाँ से भी पता कर सकते हो, जैसे यहाँ पे अकाउंट नंबर लिखा हुआ है SN462819। तो दोस्तों जब आप ये जब जिस भी ऐप से आप पेमेंट कर रहे हो उसमें फिल करोगे तो दोस्तों उसमें वो इसको एक्यूरेट नहीं दिखाएगा कि ये सही नहीं है, बिकॉज़ अगर आपको अकाउंट नंबर डालना है तो उसके साथ आपको अपना जो सब डिवीज़न है वो उसका नंबर भी डालना पड़ेगा। तो सब डिवीज़न नंबर यहाँ पे है T24 नाथुसरी, तो यहाँ पे T24 है वो सब डिवीज़न का नंबर हो गया, तो उसके बाद आपका अकाउंट नंबर आएगा। इसीलिए यहाँ पे जो ऊपर था वो था T24SN462819, यानी पहले आपका सब डिवीज़न नंबर उसके बाद आपका अकाउंट नंबर। तो जैसे हम आपको और दिखा देते हैं, ये देखिए इसमें आपको थोड़ा साफ दिख जाएगा T24SN462819। जी हाँ दोस्तों, तो ऐसे आपको अकाउंट नंबर अपना फिल करना पड़ेगा वहाँ पे, तभी वो एक्यूरेट दिखाएगा। तो अभी हम चलते हैं ऐप पे, ये फ़ोन पे के थ्रू हम कर रहे हैं, इसमें आपको ऑफ़र मिलते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी पे क्लिक किया, उसके बाद आपका जो भी बोर्ड है वो आप चूज़ कर लेना, और उस हिसाब से अलग अलग प्रोसीजर है वो आप कर सकते हो। बस सिंपली यही होता है अकाउंट नंबर वगैरह फिल करके बिल भरना। ये था दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम। तो ये देखिए दोस्तों यहाँ पे अकाउंट नंबर है, अगर मैं यहाँ पे डायरेक्ट डाल देता हूँ SN462819, तो यहाँ पे ये देखिए अलाउ नहीं करेगा दोस्तों, मतलब यहाँ पे नंबर डाल दिए मैंने कोई भी, आप अपने कॉन्टैक्ट नंबर डाल देना ताकि कभी भी बाद में कोई कॉल वगैरह करनी पड़े तो वो कर सकें। तो कन्फर्म नहीं हो रहा दोस्तों, तो यहाँ पे जैसे ही उसका सब डिवीज़न नंबर भी साथ में डालूंगा T24, ये देख कन्फर्म हो गया दोस्त, यहाँ पे मैंने रेंडमली एक नंबर डाला है। तो आप यहाँ पे अपना कॉन्टैक्ट नंबर देना ताकि बाद में आप कल को आपके पास किसी वजह कोई कॉल या मैसेज वगैरह करना पड़े तो इस उस नंबर पे आ जाए, उसके बाद आपको कन्फर्म करना है। तो इसमें पूरी डिटेल आ जाएगी, ये देखिए दोस्तों कस्टमर नेम है प्रभुदयाल, बिल नंबर है 9645, बिल डेट और ये रुपीज़ है 10494, और ड्यू डेट है 14 जनवरी 2019। इसमें आप इसके बाद पे बिल करके आपकी पेमेंट आप कर सकते हो। तो इसमें देखिए दोस्तों यहाँ पे एक स्क्रैच कार्ड मिलेगा और आप उसको ओपन करके देखेंगे तो आपको उसमें अप टू 1000 रुपीज़ मिलते हैं कैशबैक। तो अब सोचिए अगर आपके पास 1000 रुपये का बिल, अगर बाय लक अगर आपको 1000 रुपये ही वापस कैशबैक मिल जाते तो आपका तो फ्री में बिल हो गया ना, तो आप ये कर सकते हो आप। और एक बात दोस्तों कि जो अकाउंट नंबर आप फिल करोगे उसमें हाइफ़न दिया होता है, जैसे ये देखिए दोस्तों SN462819, तो यहाँ पे जो हाइफ़न या जो माइनस का निशान जो साइन आ रहा है ये नहीं लगाना है यहाँ पे, जैसे ऊपर सबसे ये लिखा हुआ है ना सेंटर में मैंने जो बताया था T24SN462819, सिंपली ऐसे लिखना है। तो दोस्तों ऐसे आप बिल पेमेंट कर सकते हो इलेक्ट्रिसिटी बिल की, जैसे ये बिल था प्रभुदयाल 14 जनवरी तक ड्यू डेट थी इसकी, तो ये देखिए दोस्तों 14 जनवरी 2019 तक 10494 एंड द बिल नेम इज़ प्रभुदयाल। तो आप ये चीज़ देख लेना और अकाउंट नंबर अच्छे से फिल कर देना और अपने कॉन्टैक्ट नंबर या जो मोबाइल नंबर है वो दे देना, उसके बाद अपनी बिल पेमेंट कर देना। तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है कहीं भी जाने की या फिर ये सोचने की इसी तारीख को हम ऑफलाइन जाके बिल पेमेंट करें, आप खुद भर सकते हो अगर आप एक मतलब स्मार्टफोन यूज़र हैं तो, या फिर अगर कोई भी आपका फ्रेंड वगैरह कुछ भी है जो ऐसे फ़ोन पे यूज़ करते हैं तो आप उसको पैसे दे दीजिए और वो आपको आपकी बिल पेमेंट कर देगा। मतलब उसमें आपको बेनिफिट इतना ही होगा कि आप अपने बिल मतलब जो भी इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट है वो कभी भी करवा सकते हैं अपने फ्रेंड से। तो
उसमें आपको कैशबैक तो नहीं मिल पाएगा क्योंकि आप वो चीज़ यूज़ ही नहीं करते, बट आपके फ्रेंड को थोड़ा फ़ायदा हो सकता है और आपको भी बेनिफिट ही है बिकॉज़ आपका काम हो रहा है जल्दी। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही।